मुंबई की वर्ली विधानसभा सीट पर महाराष्ट्र की राजनीति लगातार बड़ा चुनावी माहौल बना रही है। आदित्य ठाकरे और मिलिंद देवड़ा के बीच ये चुनाव सिर्फ दो नेताओं की टक्कर नहीं बल्कि ठाकरे और शिंदे गुट की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। आप देख रहे हैं एट नाइन, मैं हूं आपके साथ काजोल। 2019 में आदित्य ठाकरे ने सीट से शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 का ये चुनाव अब एक नई चुनौती लेकर आया है। एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस के कद्दावर नेता मिलिंद देवड़ा को आदित्य के खिलाफ मैदान में उतारा है। मिलिंद देवड़ा जो कांग्रेस के दिग्गज नेता मुरली देवड़ा के बेटे हैं, राजनीति में उनका लंबा अनुभव है। 2004 और 2009 में वो मुंबई दक्षिण से सांसद रहे, हालांकि 2014 के बाद से उन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता। अब वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो चुके हैं और वर्ली से विधायक बनने की तैयारी में है। लेकिन वर्ली में जातिगत समीकरण आदित्य ठाकरे के पक्ष में नजर आ रहा है। यहाँ 11% दलित और 9% मुस्लिम मतदाता है, जो आदित्य के लिए एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। साथ ही आदित्य के 2019 के कार्यकाल से भी जनता में उनकी पकड़ मजबूत हुई है। एकनाथ शिंदे का मिलिंद को मैदान में उतारना सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि ठाकरे गुट को सीधी चुनौती देने का बड़ा दाव है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या मिलिंद देवड़ा आदित्य ठाकरे को इस प्रतिष्ठित सीट पर टक्कर दे पाएंगे या नहीं। चर्चा है कि राज ठाकरे भी सीट पर अपना उम्मीदवार मैदान में उतार सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वर्ली में मुकाबला त्रिकोणीय होगा, जो नतीजों को पूरी तरह से बदल सकता है। वर्ली का ये चुनाव ठाकरे परिवार की प्रतिष्ठा और शिंदे गुट की चुनौती की परीक्षा है। क्या आदित्य ठाकरे अपनी सीट बचा पाएंगे या मिलिंद देवड़ा चुनाव में नई शुरुआत करेंगे। देखते रहिए महाराष्ट्र के चुनावी महासमर में आगे क्या होता है।